केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवपुरी में सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले राकेश गुप्ता ने भी बीजेपी छोड़ दी है। सिंधिया के करीबी रहे राकेश गुप्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए शिवपुरी से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बड़े काफिले में भोपाल की ओर निकले और पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने हाथ का दामन थामा। राकेश गुप्ता एक प्रमुख कांग्रेस परिवार से आते हैं और मार्च 2020 में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे पहले सिंधिया के एक और करीबी बैजनाथ यादव ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। वह भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल में कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इन नेताओं का बीजेपी से मोह भंग ऐसे समय में हो रहा है जब मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। दिसंबर के महीने में चुनाव आयोजित हो सकते हैं। बीजेपी जहां सत्ता को बरकरार रखने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी उसे बेदखल करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इससे पहले राज्य में 2018 में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए थे, तब कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने राज्य में सरकार भी बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। वहीं सिंधिया समर्थक कई विधायकों को मंत्री भी बनाया गया है। सिंधिया को केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। हम तो देश आजाद हुआ 70 साल हो गए, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता कि हम भी आज भी हम गुलाम है। 2020 को जब उनका यहाँ से पदार्पण हुआ, जब यहाँ से निकले, तब उस दिन हमने सांस ली कि हम आजाद भारत में हम जी रहे हैं। उस समय ना तो हमें संगठन में कोई पद दिए जाते थे, ना सत्ता से पास पर भटकने दिया जाता था। आज आपके आने के बाद हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम भी एक कांग्रेस के सिपाही हैं। आपकी जो सत्ता की पुनः जो भागीदार पुनः जो आपको सत्ता मिलने वाली है, हम भी अपना योगदान दे पाएंगे। आदरणीय साहब कमलनाथ जी, शिवपुरी विधानसभा की मैं बात करूं, शिवपुरी विधानसभा में 2 ग्रामीण ब्लॉक है और 1 शहरी ब्लॉक है। दोनों ग्रामीण ब्लॉक से हम हमेशा से कांग्रेस जीतती चली आई है। कमी थी तो मात्र शहर में थी, तो शहर की जो आज कमी थी, आज आपके माध्यम से, राकेश गुप्ता जी के माध्यम से हम उसको पूर्ति करेंगे। 100% हम कांग्रेस को शिवपुरी विधानसभा से जिता के देंगे, जो हमारा आपसे वादा है। साहब आपने जो हमें मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को। केवल जिन लोगों ने ज्वाइन करा है, वो लोग साथ में खड़े हो जाए। राकेश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह जी, राजीव सिंह जी, धनोपिया जी, आज शिवपुरी से आए हुए, क्या बात है, शिवपुरी से आए हुए राकेश गुप्ता जी, सूरज अवस्थी जी, श्यामलाल राजू जी, सहदेव लोधी जी, दिनेश पार्षद जी, दिनेश नागर जी, विजय चौहान जी हमारे अध्यक्ष, बैजनाथ जी जिन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस में प्रवेश किया था, नासिर खान जी, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आके इतना उत्साह। आप लोग कहाँ से हैं? शिवपुरी से हैं? नौजवानों में शिवपुरी के नौजवानों में बहुत वोटेज है। ये मैंने देखा कि कितनी वोटेज है आपने। आप सब मैं स्वागत करता हूं। आपने ये फैसला किया, ये फैसला आपने किया, सबसे बड़ी चीज है सच्चाई का साथ दिया। कांग्रेस का तो साथ दिया, पर आप सबने सच्चाई का साथ दिया। आज प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है, हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी, आज सब ये परेशान घूम रहे हैं। ये प्रदेश की तस्वीर है। और सबसे बड़ी चुनौती, जब मैं नौजवानों की ओर देखता हूं, इनका भविष्य है। ये बेरोजगारी, बेरोजगारी
सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है। यही नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है और यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। 5 महीने बचे हैं चुनाव में, 4 महीने बचे हैं चुनाव में। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि याद रखिएगा, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार और एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। कैसा कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, कैसा प्रदेश हम आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। आप उनके रक्षक हैं, भविष्य के रक्षक हैं। और ये याद रखिएगा कि 15 साल हमारी सरकार चल रही थी, 2-2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। ये सबके सामने आज शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जितनी भी गाली दे दे कमलनाथ को, जितनी गाली देते हैं उसका आशीर्वाद मुझे बढ़ता है जनता का। तो मैं जोर की बारिश आ रही है, मैं आपको यहाँ रोकना नहीं चाहता, पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखने का फैसला किया, सच्चाई का साथ देने का फैसला किया। और आज आप सबने जो पार्टी ज्वाइन करी, आपने इतनी निष्ठा से पहले कांग्रेस में का साथ दिया, आप लोगों ने नींव बना के रखी, अब इस नींव तो आपने बना दी, अब इसके ऊपर इमारत बनानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आज बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैं अपने घर वापस आ रहा हूं, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं एक बात कहता हूं, मैं कांग्रेस मेरी जननी है, कांग्रेस ने मुझे अपना नाम दिया, सम्मान दिया, तरह तरह के संगठनों में मुझे उन्हें पद से नवाजा और आज उसी का के परिणाम है कि मुझे कांग्रेस ने लीडरशिप दी। मैं 40 साल कांग्रेस में काम किया है, मैंने सेवा की है लोगों की, मेरे पिता स्वर्गीय श्री सावल दास गुप्ता जो आजादी के आंदोलन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कांग्रेस ही रहे और उन्होंने 75 साल कांग्रेस की सेवा की, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे, 45 साल पार्षद रहे, 3 बार नगरपालिका अध्यक्ष रहे। साथियों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले नगरपालिका में मैंने अपने कर्मचारी को नगरपालिका अध्यक्ष बनाया था, कुछवा समाज से था, और मध्य प्रदेश में केवल एक ही नगरपालिका सीट हमारी कांग्रेस की जीती थी। साथियों, मैं पहले सबसे कांग्रेस परिवार में समर्पित होकर क्षमा चाहता हूं कि मैंने एक गलती की जिससे मेरा चरित्र दागी हो गया, उसके लिए मैं शीर्ष नेता से भी और जनता से और मेरे कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के भाइयों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि मुझे माफ करें। भाजपा में जाने की बात, तो भाजपा में जाने के बाद मैं अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूं। मुझे आग मिलानी होती थी भाजपा में, जब मैं बैठता था मीटिंगों में इतना बुरा लगता था कि मैं बता नहीं सकता। साथियों, मेरी आत्मा कांग्रेस में थी और शरीर भाजपा में था, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं सबसे। लेकिन मैं बाकी करनी हो कथनी में अंतर है, कांग्रेस जो कहती है वो करता है, करती है। और माननीय अध्यक्ष जी ने 1.5 साल मुख्यमंत्री काल में जो कहा वो कर दिखाया, और केवल गवर्नमेंट जिन लोगों ने गिराई उसी के कारण हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ नहीं हो पाया, 15-27 लाख किसानों का तो कर्जा माफ हो गया। अब मैं सभी से परिचयों से
ये आग्रह करता हूँ और कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस में साथ स्वीकार करें, मैं आपकी तय जिंदगी तक सेवा करूंगा। और ये भी वचन देता हूँ कि मैं मेरा तन कांग्रेस, मन कांग्रेस, वचन कांग्रेस और मर जाऊंगा तो कवन कांग्रेस। जय हिंद, जय भारत। अच्छा है प्रधानमंत्री जी आ रहे, वो अपनी आंखों से मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार को देख लें, उसका खुद असेसमेंट कर लें कि कितना भ्रष्टाचार है, कैसे आज मध्य प्रदेश देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश है। सर, ये पूरे शहर में कुछ पोस्टर्स लग रहे हैं आपके भी और शिवराज सिंह चौहान के भी, देखिए ये पोस्टर्स की शुरुआत किसने करी, ये बड़े तरीके से बीजेपी ने एक थर्ड पार्टी से पोस्टर लगवाने शुरू किए, उसके बाद अपने लोग भी लग गए, किसको रोके सर, पर शुरुआत तो उन्होंने ही शुरू करी। सर पोस्टर के बाद अब वीडियो वाल भी स्टार्ट हो गया, एक वेबसाइट है जिसने आपके नाम से एक मिलजुलता एक विवादित नाम बना के वेबसाइट बनाई है और वो आपकी वीडियो जारी कर रही है, उसके रिप्लाई में कल कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया सीएम शिवराज सिंह, उनको दिन को रात को सपनों में केवल कमलनाथ दिखते हैं। तो ये वीडियो बनाए, फिल्म बनाए, फिल्म तो शिवराज सिंह जी तो खुद ही एक्टिंग कर सकते हैं, उसके उससे बड़े एक्टर तो है नहीं। ऐसा नहीं लग रहा है कमलनाथ जी की बौखलाहट या हाथ से कहीं, देखिए बौखलाए हुए हैं कि ये समझ रहे हैं ये सब प्रयासों के, पुलिस पैसा प्रशासन के बावजूद भी जनता इन्हें विदा करने वाली है। सर भूपेंद्र सिंह पर सवाल खड़े करने वाले एक शख्स की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री से उन्होंने सवाल कुछ पूछे थे उनकी सभा में और उसके दो दिन बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई। बिना कारण जी, हाँ देखिए ये तो रोजाना की घटना है, कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती है। कल जबलपुर में क्या हुआ, गोली चली, किसको गोली मारी, 307 का केस बनाया, ये तो रोज घटनाएं हो रही है। दुख की तो ये बात है केवल 10% इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। सर नरोत्तम मिश्रा ने चिट्ठी लिखी है आपको प्रियंका खड़गे के बयान पे कि गोरक्षकों को लात मारने की वो बात कर रहे हैं, क्या प्रियंका खड़गे गोरक्षकों को लात मारने की बात कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा ने आपको एक चिट्ठी लिखी है? मैं मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। प्रियंका जी राहुल जी के दौरे पर